हाय गाइस, वेलकम टू डेल्टा एक्सचेंज। आज हम बात करने वाले हैं ऑप्शंस के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की, जैसे कि ऑप्शन ग्रीक्स में से एक, आखिर डेल्टा ये होता क्या है। ऑप्शन मनीनेस जो कि आईटीएम एटीएम ओटीएम स्ट्राइक प्राइस है, सुनने में काफी कंफ्यूजिंग लगती है और आपने जरूर काफी बार इसे सुना भी होगा, बट आखिर ये होते क्या है। इन सारी चीजों को आज हम डिटेल में इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। डेल्टा के बारे में समझने से पहले लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज आईटीएम ओटीएम एटीएम स्ट्राइक प्राइसेस। इसका मतलब होता है इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी ऑप्शन। और ये सारे टर्म्स बताते हैं कि आखिर ऑप्शंस एसेट के प्राइस से कैसे रिलेटेड है। अगर बात करें इन द मनी ऑप्शंस की, तो जब ऑप्शंस का स्ट्राइक प्राइस एसेट के प्राइस के फेवर में होता है तो उसे हम इन द मनी ऑप्शन बोलते हैं। अब इसे एग्जांपल से समझो। फॉर एग्जांपल, अगर बिटकॉइन 50,000 चल रहा है और आपने 48,000 की कॉल को परचेज किया है, दैट मींस ये 48,000 की कॉल इन द मनी ऑप्शंस, क्योंकि यहाँ स्ट्राइक प्राइस करंट मार्केट प्राइस से कम है। वेयर एज पुट ऑप्शंस के लिए इन द मनी ऑप्शंस होते हैं जब स्ट्राइक प्राइस करंट मार्केट प्राइस से ज्यादा हो। अब बात करते हैं एटीएम यानी एट द मनी ऑप्शंस की। यहाँ पे एसेट का करंट प्राइस और ऑप्शंस का स्ट्राइक प्राइस ऑलमोस्ट इक्वल होता है। फॉर एग्जांपल, अगर बिटकॉइन 50,000 चल रहा है और आपने 50,000 की ही कॉल परचेज करी है, दैट मींस ये 50,000 की कॉल एटीएम है यानी एट द मनी ऑप्शन। अच्छा, ये पॉइंट वो होता है जहाँ ऑप्शंस का इंट्रेंसिक वैल्यू नहीं होता और यहाँ ऑप्शन फ्यूचर के मूव के लिए पूरी तरीके से रेडी होता है। इंट्रेंसिक वैल्यू का मतलब नहीं पता तो फटाफट हमारी बेसिक्स ऑफ ऑप्शंस की प्लेलिस्ट पर जाओ और पहली वीडियो को अच्छे से देख लो, वहाँ हमने इंट्रेंसिक वैल्यू का मतलब समझाया है। चलो अब बात कर लेते हैं ओटीएम की, दैट इज आउट ऑफ द मनी ऑप्शन। मतलब जब ऑप्शंस का स्ट्राइक प्राइस एसेट के करंट प्राइस के फेवर में नहीं होता। तो इसे एग्जांपल से समझो, अगर फिर से बिटकॉइन 50,000 चल रहा है और आपने बिटकॉइन की 52,000 की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन खरीदा है, तो ये 52,000 की स्ट्राइक प्राइस आउट ऑफ द मनी ऑप्शन हो जाएगी। मतलब यहाँ कॉल्स के लिए स्ट्राइक प्राइस करंट मार्केट प्राइस से ज्यादा होता है, वेयरएज पूरी तरीके से उल्टा पुट ऑप्शंस के साथ होता है। जहाँ पे स्ट्राइक प्राइस करंट मार्केट प्राइस से कम होता है तो उसे हम आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस बोलते हैं। अब हमने ये तो समझ लिया कि ऑप्शंस की मनीनेस क्या होती है, दैट मींस आईटीएम ओटीएम एटीएम स्ट्राइक प्राइस आखिर होती क्या है, लेकिन इसे समझने का मेन मुद्दा ये था ताकि आप इसे डेल्टा से रिलेट कर पाओ। तो चलो अब ये समझते हैं कि डेल्टा क्या होता है और कैसे ऑप्शन की मनीनेस डेल्टा से रिलेटेड है। तो ये बहुत सिंपल है यार, डेल्टा हमें किसी भी चीज का चेंज बताता है, दैट मींस इनिशियल विद रिस्पेक्ट टू फाइनल। और स्पेसिफिकली यहाँ डेल्टा हमें ऑप्शंस के प्रीमियम के चेंज के बारे में बताता है। मतलब अंडरलाइंग एसेट के मूवमेंट के हिसाब से ऑप्शंस के प्रीमियम किस तरीके से मूव करते हैं और इसे ही हम डेल्टा बोलते हैं। अब चलो इसे सिंपली एक एग्जांपल से समझ। आप में से बहुत सारे लोगों की एवेंजर्स एक फेवरेट मूवी होगी। तो सपोज करो एवेंजर्स का नया पार्ट रिलीज हो रहा है, आप उस मूवी को डेफिनेटली देखने जाओगे। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो पहले एडवांस बुकिंग करा लो या फिर जिस दिन मूवी रिलीज हो रही है उसी दिन टिकट्स को परचेज करो। तो यहाँ ये तो सिंपल है कि एडवांस बुकिंग में टिकट का प्राइस सेम रहने वाला है, बट अगर आप रिलीज डेट पे मूवी की टिकट्स को खरीदोगे तो उस दिन प्राइस बढ़ भी सकता है और प्राइस कम भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि मूवी ने कैसा परफॉर्म किया है। एग्जैक्टली सेम डेल्टा भी आपको यही बताता है कि अगर बिटकॉइन बहुत ज्यादा मूव कर रहा है तो उसके हिसाब से ऑप्शंस के प्रीमियम कैसे मूव करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल, बिटकॉइन 50,000 से 60,000 पहुंच गया, तो इस 10,000 की जर्नी में ऑप्शंस के प्रीमियम का बिहेवियर कैसा रहा होगा, डेल्टा ये गेज करने में आपकी हेल्प करता है। तो इसे ऐसे समझो कि अगर आपके ऑप्शंस का डेल्टा 0.5 है और बिटकॉइन $1 मूव करता है तो आपका ऑप्शंस का प्रीमियम $0.5 ही मूव करेगा। अब इसका बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, डेल्टा इज इक्वल्स टू चेंज इन ऑप्शंस प्राइस अपॉन चेंज इन अंडरलाइंग एसेट। अब इतना सब कुछ डेल्टा के बारे में तो समझ लिया, अब ये समझते हैं कि डेल्टा कैसे ऑप्शन की मनीनेस से रिलेटेड है, दैट मींस आईटीएम ओटीएम एटीएम ऑप्शन से डेल्टा कैसे रिलेट करता है। अगर बात करें आईटीएम यानी इन द मनी ऑप्शंस की, तो इनका डेल्टा हाई होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके इन द मनी ऑप्शंस का डेल्टा 0.8 है, तो अगर आपका बिटकॉइन $1 बढ़ेगा तो आपके ऑप्शन का प्रीमियम $0.8 बढ़ेगा। बट हाँ, पुट ऑप्शंस के लिए डेल्टा हमेशा नेगेटिव होता है, बट इन द मनी ऑप्शंस का डेल्टा हाई हमेशा होगा। अब बात करते हैं एट द मनी ऑप्शंस के डेल्टा की। एट द मनी ऑप्शंस का डेल्टा 0.5 होता है, अब चाहे वो कॉल ऑप्शन हो या फिर पुट ऑप्शन।
मतलब आपने एट द मनी ऑप्शंस को खरीदा है, तो अगर यहाँ से बिटकॉइन $1 मूव करता है तो आपका ऑप्शन प्रीमियम $0.5 ही मूव करेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये ऑप्शन मिड पॉइंट पे होता है, ना ही ये फॉरवर्ड मूव को फेवर कर रहा होता है ना ही ये बैकवर्ड मूव को। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस पे डेल्टा का क्या फर्क पड़ता है? जनरली ऐसा ही होता है कि आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस के डेल्टा हमेशा कम ही होता है। एग्जांपल, इसे ऐसे समझो कि आपने बिटकॉइन के ऑप्शंस को परचेज किया है जो कि OTM है यानी आउट ऑफ द मनी है और जिसका डेल्टा 0.2 है। तो अगर यहां से बिटकॉइन $1 मूव करेगा तो आपका वो ऑप्शन $0.2 ही मूव करेगा। ये ऑप्शंस जनरली अंडरलाइंग एसेट के प्राइस के मूवमेंट से इतने सेंसिटिव नहीं होते, मतलब अंडरलाइंग एसेट को बहुत ज्यादा मूव करना पड़ेगा ताकि आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस एक अच्छा मूव दे पाए। और डेल्टा के थ्रू आप एक और इंटरेस्टिंग एनालिसिस ऑप्शंस के बिहेवियर के बारे में कर सकते हो। डेल्टा आपको ये बताता है कि ऑप्शंस का प्राइस मार्केट के मूवमेंट से कितना ज्यादा सेंसिटिव है। अगर डेल्टा काफी ज्यादा है या डेल्टा नियर टू 1 है, दैट मींस आपका ऑप्शन काफी ज्यादा वोलेटाइल होगा और एक अच्छा मूव देगा जब आपका अंडरलाइंग एसेट मूव करेगा। Whereas, अगर आपके ऑप्शंस का डेल्टा कम है, दैट मींस 0.2, 0.3, 0.4, तो कंपैरेटिवली अंडरलाइंग एसेट के मूवमेंट के हिसाब से आपके ऑप्शंस के प्रीमियम इतनी ज्यादा तेजी से मूव नहीं करेंगे। तो डेल्टा के अंडरस्टैंडिंग से आप ये समझ सकते हो कि ऑप्शंस मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से कितने ज्यादा सेंसिटिव हैं। अब इसे थोड़ा ऐसे समझो कि जब भी विराट कोहली बैटिंग कर रहा होता है तो लोगों को ये लगता है कि इंडिया के जीतने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। ऐसे ही जब डेल्टा ज्यादा होता है तो आपके विनिंग चांसेस ज्यादा होते हैं जब अंडरलाइन का प्राइस मूव कर रहा होता है। बात करते हैं डेल्टा के रेंज के बारे में। कॉल ऑप्शंस के डेल्टा की रेंज 0 to 1 होती है, वेरस पुट ऑप्शंस के डेल्टा की रेंज -1 to 0 होती है। पुट ऑप्शन के रिस्पेक्ट में इस रेंज का मतलब ये है कि जब भी मार्केट गिरेगी तब पुट ऑप्शंस के प्रीमियम बढ़ेंगे, वेरस कॉल ऑप्शंस के साथ उल्टा होता है, जब भी मार्केट बढ़ेगी तो कॉल ऑप्शंस के प्रीमियम भी राइज होंगे। ऑप्शंस ट्रेडिंग में डेल्टा के साथ एक और कॉन्सेप्ट आता है विच इज डेल्टा हेजिंग। अब इसे ऐसे समझो कि आपके पोर्टफोलियो में 100 बिटकॉइंस है तो मार्केट ऊपर जाएगी आपको इस बात का तो डर नहीं है, लेकिन मार्केट नीचे जाएगी तब आपके पोर्टफोलियो में एक डेंट आ सकता है और इसी डाउनवर्ड मूव से बचने के लिए आप हेजिंग स्ट्रेटजीज बनाते हो। Whereas ट्रेडिंग वर्ल्ड में भी हम हेजिंग स्ट्रेटजीज बनाते हैं जहां पे आप डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटजीज बना सकते हो, ऐसी स्ट्रेटजीज बना सकते हो जहां पे डेल्टा टुवर्ड्स 1 मूव कर रहा है या टुवर्ड्स 0, दैट डिपेंड्स ऑन कि आप ऑप्शन बायर हो या फिर ऑप्शन सेलर। ऐसे ही डेल्टा का यूज करके आप कई तरीके की ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज बना सकते हो, बट हां ये ध्यान रखना कि ऑप्शन ट्रेडिंग रिस्की होती है, तो पहले सारी नॉलेज गैदर कर लो और छोटे से कैपिटल से स्टार्ट करो और जैसे जैसे कमांड आती जाए वैसे अपने पोर्टफोलियो को बड़ा कर लो। गाइस, आज हमने इस वीडियो में काफी सारी चीजें सीखी कि डेल्टा क्या होता है, ऑप्शन की मनीनेस क्या होती है, ITM, OTM, ATM स्ट्राइक प्राइस आखिर है क्या और ये सारी स्ट्राइक प्राइस डेल्टा से कैसे रिलेटेड है, डेल्टा हेजिंग क्या होती है, हमने ये सारा कॉन्सेप्ट आज इस वीडियो में सीखा। आई होप कि आपको मजा आया होगा और इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला होगा। आने वाली वीडियो में हम ऐसे ही ऑप्शंस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कवर करने वाले हैं, सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। ऑल्सो कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना कि आप ऑप्शन के कौन से कॉन्सेप्ट्स पे और वीडियोस चाहते हो, हम उन कॉन्सेप्ट्स पे वीडियो लेके आएंगे। अरे हाँ, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।